गैस खाना हमने खा लिया है और ये मेरी जिंदगी का सबसे वरिष्ठ खाना था। और एक आशिफ भाई ने जो टिप दिया वो है हमारा बनता था 600 और इसने दिया 602, मतलब इट मीन्स 2 रुपए बिहारी को मिला टिप। सो अब वाओ वेरी डेंजरस, पता नहीं किसके दूध की है उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमें क्या मजे के साथ है। बेस ये बकरी के दूध की है, Assalamualaikum dear friends, this is Jawar Khan, welcome to this video and welcome to my channel. I hope आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज का हमारा जो प्लान है वो हमें जाना है श्रीनगर, लेकिन आज ना हमने कोई बाइक साथ लिया और ना ही गाड़ी, क्योंकि हम जा रहे हैं ऑटो में। हम नादियाल से जाएंगे और वहाँ से ऑटो लेंगे बाणीपुरा तक, वहाँ से हम सोमो लेंगे। तो बिना देर किए चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे ऑटो में। सो गाइज हम कंटिन्यूसली जा रहे हैं नीचे, तो हमें जाना है कतलोबल, वहाँ हम ऑटो लेंगे और वहाँ से जाएंगे हम बाणीपुरा। तो ये दोनों शर्मा रहे हैं, बिल्कुल कैमरा में आना नहीं चाहते, तो लेकिन फिर भी मैं इनको उठा रहा हूँ, कैमरा में इनका शूट ले रहा हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बढ़िया तिलगा गुल आया है। गाइस हमने ऑटो लिया है तो हम ऑटो में चल रहे हैं बाणीपुरा की तरफ। तो ज़्यादा बात इसमें नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है थोड़ी लेडीज भी है इसमें, तो सीधा हम नीचे जाएंगे स्टैंड में, तो वहाँ से हम सोमो लेते हैं, मिलते हैं आपको स्टैंड में। सो गाइस हम पहुँचे हैं स्टैंड में, यहाँ बाणीपुरा स्टैंड में, यहाँ से हम लेंगे सोमो श्रीनगर का। वहीं करा श्रीनगर शहर 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 ए शहर ए वास्ते ठीक फिट तो तू का ड्राम है तो भाई ने भी बोला सब्सक्राइब करो, चल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर श्रीनगर। तो हम यहाँ से लेते हैं सोमो श्रीनगर का। हमारा स्ट्रीट आग भी है क्या? तो गाइस हम अंदर मिलते हैं आपको श्रीनगर के अंदर, क्योंकि सुबह में हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सीधा आपसे बात करेंगे श्रीनगर, जहाँ हम दूसरा स्टॉप लेंगे जहाँ से हम आगे वाली गाड़ी लेंगे। तो मिलते हैं आपसे श्रीनगर में। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं मंडी, अब हम ड्राइवर साहब को देंगे किराया जो उसका हक है। गुप्ता साहब तो इम्तियाज भाई ने पे किया है रेंट, अब हम यहाँ से लेंगे गाड़ी, हमें जाना है खानिया का। अपन लोन चौक बटवाली, अपन लोन चौक बटवाली, अपन लोन चौक, अपन अपन लोन चौक बटवाली, अपन लोन चौक, लाल चौक, लाल चौक। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं खानियार, हमें अब जाना है यूनिवर्सल एचआरडी पे, वहां पे हमें कुछ अपना ही काम है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सल एचआरडी, जिसको ढूंढते ढूंढते मैं खुश हो चुका हूं। हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपसे मिलेंगे। एंड फाइनली गाइस हमारा हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कट चुका है तो अब हम वापस जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे नहीं, सबसे अव्वल हम पढ़ेंगे नमाज। और इम्तियाज भाई शायद यहाँ भी वॉशरूम ढूंढ रहा है। सो गाइस नमाज भी हमने पढ़ ली है और चलते चलते हम पहुंच चुके हैं डल गेट।
हम साइड से चल रहे हैं और मेरे पीछे है शिकारा है, देख सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटी यार, सो लेट्स मूव। दबा तो यार डल जो शिकार राइड करो यार, ये बेचारे पार पर ना भाई, अच्छा तो कल हम नाव तो हम पहुंच गए डल 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 डल। ये है डल का कुछ व्यू और आप देख सकते हैं पानी कितना साफ है और यहाँ से इसका मार्केट। तो गाइस यहाँ पे है वेज पंजाबी हट, हम कुछ गोलगप्पे खाएंगे क्योंकि मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। यहाँ से इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा मज़ा आएगा। चलो पहले किसी जगह बैठते हैं। तो आज देखेंगे इम्तियाज़ भाई की पसंद, इसने क्या ऑर्डर किया है अपनी चॉइस से। इसने किया है ऑर्डर मटर पुलाव, जो मेरा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन आज देखेंगे इसकी चॉइस क्या है, क्या टेस्ट रहेगा इसमें। तो जब तक वो लाता है तब तक हम बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा वाटर पियेंगे और उसके बाद हमें गोलगप्पे जरूरी खाने हैं। तो मिलते हैं आपसे मटर पुलाव जब यहाँ पे आएगा। तो गैज ये आई है दही रसमलाई, एकदम क्या बाटर टेस्ट है और बिल्कुल काला चमचा है, इसको पतलून से साफ करना है का, पता नहीं किसके दूध की है उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमें क्या मजे के साथ है। बेस ये बकरी के दूध की है, खून दूध भाई। मटर पुलावा हमारा आ चुका है और जो बिल्कुल भी महंगा पड़ चुका है, महंगा इन द सेंस इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है, जैसे वो तहरी खाते हैं मुकदम सब इसी तरह से तल तर, लेकिन इसमें भाई गार बिल्कुल भी मजा नहीं है। ये तो मुकदम सब इसी तरह सा मतलब ये 620 पानी नाम बड़े दर्शन छोटे भाई कुछ नहीं है ये नथिंग। गैस खाना हमने खा लिया है और ये मेरी जिंदगी का सबसे वरिष्ठ खाना था। और एक आशिफ ने जो टिप दिया वो है हमारा बनता था 600 और इसने दिया 602, मतलब इट मीनस 2 रुपए बिहारी को मिला टिप। सो अब देख सकते हैं कि मतलब खाना कितना बढ़िया था और उसी हिसाब से हमने उसको टिप दिया। आप कुछ बोला क्या खाने के बारे में? बटमालू की तरफ वहाँ पे कुछ खाते हैं क्योंकि ये खाना बिल्कुल भी बहुत घटिया था। खाना खा कर जाएंगे अंदर हम नो, देखते हैं अगर किसी गाड़ी में सीट मिलती है, वरना ओवरलोड में चढ़ना होगा। यहाँ से फौरन निकलते हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हुई है। वो मिलते हैं आपसे सीधे बटमालू में। बस स्टैंड मैं तो थक चुका हूँ, यहाँ से हम लेते हैं बस क्योंकि लंबा सफर है और आराम भी कर रहा है। टिकट 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 बस में चढ़ गए सीधे बस में और उसके बाद हम जाएंगे सीधा सीधा अना कैसु दोन हातन मंदिर पर ठीक छ का दे दा 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 फसा ये हम बस के बैक सीट पे, इम्तियाज भाई ने बोला है बैक सीट पे बैठेंगे क्योंकि खाना अभी हजम नहीं होगा, वो झटकों से हजम भी हो जाएगा। तो इम्तियाज भाई कर रहा ओला मिर्च पराठा सब कुछ लिया हमने, ये रही नॉन स्टॉप बस कर दस ओला मिर्च पराठा और बिहारी भी इसमें बहुत है, लेकिन बेरे एक बेचारे चाहते थे तुम सी एच में छुरी बेचारे
बांडीपोरा अजस तो नेरो इस घर मिलते हैं आपसे सीधे नादी हल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कहीं जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिएगा।